आज आईपीएल में सबसे बड़ा जो मुकाबला अभी तक इस आईपीएल में रहा है वो शायद आज का ही मुकाबला है, क्योंकि एक सामने चेन्नई सुपर किंग्स है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पर आपको नजर आएगी मुंबई, और मुंबई के गढ़ में मुकाबला है जहां पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी है, उस पर बात करेंगे। आज के मुकाबले को बताइए, मुंबई और चेन्नई भाई, एल क्लासिको, भाई एल क्लासिको मुकाबला है आज, क्योंकि भाई एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी और एक तरफ है रोहित शर्मा, भाई दोनों ही टीमों के पास पांच पांच ट्रॉफी हैं यार। मतलब आप देखो, एक दो टीमें ऐसी टीमें खेल रही जो ओन करती हैं भाई इस टूर्नामेंट को। हमने यही बात करी कि सीएसके के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा का के आंकड़े बहुत जबरदस्त है। सीएसके के सामने रोहित शर्मा जो कप्तानी करते हैं तो फिर वहां पर सीएसके के नहीं चल पाते। ऐसे में आज का मुकाबला आपको ऑफिशियल कप्तान हार्दिक पांड्या जरूर रहेंगे, देखिए वो गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप जो इंजरी का लेकर थोड़ा मसला, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक ओवर की थी, लेकिन आज सही से अगर टीम को कोई कप्तानी करता नजर आएगा तो वो रोहित शर्मा होंगे। आज ग्राउंड पर आपके, यानी कि अगर आप देखिएगा, ज्यादा रोल दिखेगा रोहित शर्मा का, तो ये मैं वहां पर बात कर रहा हूँ। ऋतुराज वर्सेज हार्दिक पांड्या, ये थोड़ा सा आपको वजन ही नहीं लग रहा है इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉर्मल ही मुकाबला है। धोनी वर्सेज रोहित शर्मा, वो जबरदस्त फीलिंग आती थी भाई, इसमें फीलिंग है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखिए आज जो मुकाबला है, जैसे आपने थंब भी देखा होगा, चेन्नई के खिलाफ आज कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे, क्योंकि कल आपने देखा कि प्रैक्टिस के बाद वो वहां भी कमान संभाले हुए थे, वो कमान संभाले हुए हैं। आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, आज भाई चलाएगा, भाई पूरी टीम को लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल प्रैक्टिस सेशन के बाद एक तस्वीर रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने वो गाड़ी चलाते हुए ले जा रहे हैं पूरी टीम को, और लोगों को सामने से हटा रहे हैं, भाई साइड हो जाओ क्योंकि आज गाड़ी तुम्हारा भाई चला रहा। तो एक तरीके से रोहित शर्मा का इस तरीके का जो अंदाज होता है अपने आप में बहुत वायरल भी रहता है, और आपने देखा कि और हाल फिलहाल में अगर आप देखिए उनका जो लोगों को कनेक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं, कल भी वो तस्वीर थी, और ऐसे में जो पिछले जीत के बाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं मुंबई इंडियंस के खेमे से, वो भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इस खेमे में चीजें बेहतर चल रही हैं। और इसी लिहाज से आज अगर आप देखिए, क्योंकि सामने एमएस धोनी है, एमएस धोनी को अगर आप देखिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हार्दिक पांड्या, ऐसे में, और लेकिन अगर एमएस धोनी को कोई हराता है तो वह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो अगर आप देखिए आंकड़ों में भी दोनों टीमों के बीच में 36 मुकाबले हो रखे हैं, जिनमें से 20 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, 16 मुकाबले चेन्नई ने जीते, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत एक तरफा वाला बात नहीं है, यहां पर भी फाइट जबरदस्त है। 7 मुकाबले वानखेड़े में हुई है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का 4 और 7 नहीं 10 ऐसे कुछ है, ये थोड़ा सा आंकड़ा मेरा अभी सही करता हूँ इस आंकड़े को, ये वाला जो आंकड़ा मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, जो वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच मुकाबला है 11 मुकाबले हो रखे हैं और 7 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, 4 मुकाबले चेन्नई ने, यानी कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। और आज मजा आने वाला है कि किस तरीके से, क्योंकि मुझे बैलेंस वाइज अगर आप देखोगे ना तो मुझे मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि रोहित मुंबई इंडियंस का बैलेंस ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और चेन्नई सुपर किंग्स भाई इस आईपीएल में अवे गेम्स एक भी नहीं जीते, अभी 2 अवे गेम्स हुए हैं, दोनों हारी है, और ये तो भाई ऐसी जगह है जहां पर आपको पावर हिटिंग बहुत ज्यादा, जिसकी पावर हिटिंग सबसे ज्यादा बेहतर होगी, और सामने बुमराह भी रहेंगे। और भाई मुंबई इंडियंस ही एक ऐसी टीम है भाई जो 4 बार 200 से ज्यादा का टारगेट चेस कर चुकी है, और आईपीएल की स्ट्रीम और कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने 190 भी चेस के 190 के आगे चेस किया होगा, मतलब मुंबई में वहां पे। अच्छा, वानखेड़े में उन्होंने किया होगा, लेकिन शिवम दुबे भी मुंबई से खेलते हैं, ये बात भी है, शिवम दुबे को भी वानखेड़े की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ऐसे में मजा आएगा। देखिए शिवम दुबे के लिए ये ग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा, ग्राउंड अच्छा रहेगा, पर सामने बुमराह है यार, आप हल्के में ले रहे हो क्या, बुमराह चक्का नहीं दे रहे आज फीलिंग आ रही है, बुमराह की पिटाई ना हो जाए भाई, ये आपको पिछले वाले में भी फीलिंग आ रही है, ये आपको आई थी पिछले वाले, हाँ पिछले वाले में भैया को आई थी, लेकिन आज मुझे फीलिंग आ रही है, और मेरी प्रेडिक्शन सारी सही आ रही है, देखो अभी तक। अरे कोई नहीं गई भाई, कौन सी नहीं गई है बता दीजिए, 2 बताइए सही वाली, 2 सही बता दें। आरसीबी हाँ। में आरसीबी वाले मैच में मैंने क्या एग्जैक्ट 182 बोला था, 182 बना था, एग्जैक्ट बोला था, एग्जैक्ट 196 बना था, अरे वो नहीं, उसके मैं सबसे स्टार्टिंग से गिना रहा हूँ, जब सबसे पहला मैच था 182 रन का टारगेट दिया था आरसीबी ने, वो सही गई थी प्रेडिक्शन, ऑन कैमरा दिया था, मैं कहूँ तो आपको क्लिप काट के दे दूंगा, अच्छा ऑन कैमरा, अंकन सर ने पूछा कितने वाले, मैंने एग्जैक्ट बोला था 182, आप लोग सब लोग 180 से 185, उसके बाद पिछला ही मैच आपको याद दिला दें, जब मैं लाइव में बैठा था मैंने आपसे क्या कहा था, निकलस कूरन को आज कुलदीप यादव आउट करेंगे, कहा था बिल्कुल आउट हुए, बिल्कुल मैक फ्रेशर जो आए थे वो रन बनाए उन्होंने, बोला था आपको 11 रन की 50 की भी प्रेडिक्शन की थी भाई, अगर आपको फैंटेसी टीम बनानी है तो मुझे लग रहा है कि इनके, अब मुझे लग रहा है आपको और अंकित को शो करना पड़ेगा फैंटेसी को लेकर, हां भाई
करेंगे। तो मुझे लग रहा है इन दोनों को एक शो करना पड़ेगा फैंटेसी को लेकर, उनमें आप लोग टीम बनाइए, उसमें लोगों को समझाइए कि क्या किन किन खिलाड़ियों को रखना है। क्योंकि होता क्या है, जब मुंबई और चेन्नई जैसे टीमों के बीच मुकाबला होता है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किनको रखें किनको ना रखें। मुंबई के पास बॉलिंग ही नहीं है, अगर आप देखें उनके पास बुमराह के अलावा, आप सच बोल रहे हैं, बुमराह के अलावा बहुत अच्छा बॉलिंग का बैलेंस नहीं है। आकाश मधवाल पिछले में 60 रन खा गए थे, कोटजे विकेट ले रहे हैं पर वो भी 40 रन से कम नहीं खा रहे किसी भी मैच में। स्पिन में अगर आप देखें तो श्रेयस गोपाल आ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा दिख रहा है। नबी को पिछला मुकाबला खिलाया था, एक ओवर बॉलिंग कराई, सिर्फ 7 रन दिए थे, उसके बाद बॉलिंग करवाई नहीं की, फिर भी उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी थी। तो ये अगर आप देखें मुंबई की बॉलिंग कंसर्न है, तो सामने अगर आप देखें चेन्नई की कौन सी बॉलिंग अच्छी है, सामने इधर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज हैं, तो भाई ये तो और दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बात कर रहे हैं कि क्योंकि चेन्नई के गेंदबाजों को ऐसे बल्लेबाजों के सामने बॉलिंग करनी है जो सिंगल तो लेते नहीं है भाई, ये सिर्फ बड़े शॉट खेलना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना यार, देखो टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर वानखेड़े में, क्योंकि वानखेड़े में आप देखते हैं जो चेज करती है ना टीम, उसके लिए बल्लेबाजी इतनी आसान होती है, आप आराम से कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस को अगर आप चेजिंग दे देंगे तो आप चाहे 230 का भी टारगेट रख देना, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज चेज कर लेंगे, वो चेज करने जाएंगे। तो ऐसे में भाई देखो टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी। देखो ये बात तो फैक्ट है कि अगर बाकी की टीम 230 टारगेट देती है तो वहां पर अगर चेन्नई 230 टारगेट है तो वो एक फर्क पड़ेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से काफी ज्यादा अपने बॉलर्स का सपोर्ट करते हैं वहां पर। भाई दिक्कत है ना कि यही तो धोनी यही से गेम बदल देते हैं। धोनी भाई देखो, लेकिन आज आपके सपोर्ट किसको कर रहे हैं? देखिए आज मैंने जर्सी किस टीम की पहनी है? इंडियन टीम की। किसके नाम में इंडियन जुड़ा हुआ है? मुंबई इंडियंस। तो फिर मुझे लग रहा है आपको जवाब मिल गया है। आज शुभेंदु ये मुंबई इंडियंस, आज मैं भी मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस जिस तरीके से कमबैक करके आई ना, मैं लिटरली चाहता हूँ। वैसे बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि जो अपोज में टीम रहती है मुंबई इंडियंस के, मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ। बहुत पूरी हिस्ट्री आज तक रही है जो आईपीएल की हिस्ट्री, मतलब मुंबई इंडियंस मुझे ऐसा लगता था कि भाई देखिए इनके पास तो सपोर्ट स्टाफ भी बहुत शानदार है, टीम भी बहुत शानदार रहती है, तो भाई ये तो आसानी से मैच जीत जाते हैं, तो मैं हमेशा दूसरी टीम को सपोर्ट करता था एज अ वीक। मतलब आप थोड़ा सा चाहते थे कंपटीशन थोड़ा रहे, लेकिन इस बार मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे रोहित शर्मा, जिस तरीके से खेल रहे ईशान किशन, जिस तरीके से शुरुआत दे रहे हैं, काफी अच्छी वो मतलब उनका मैच देखने में ना मजा आता है भाई। बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव जो टचेस देते हैं भाई फाइनल में यार, मतलब एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे एबी डिविलियर्स जो मतलब नहीं खेलते हैं, मतलब अभी है तो है लेकिन अब खेलते नहीं है ना, जो खेलते थे भाई सूर्य कुमार यादव बिल्कुल उनकी भाई याद दिला देते हैं, जिस तरीके से वो शॉट खेलते हैं ना यार, बिल्कुल ऑफ साइड, उनसे बेहतर ही खेल रहे हैं यार। मतलब लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर खेल रहे हैं यार वो। अच्छा चलिए मान ले, बट मुझे यार एबी डिविलियर्स यार अलग थे यार, अलग थे, लेकिन देखो एबी डिविलियर्स अपने जो फाइनल वाले दिन थे ना वहां पे बहुत अच्छा खेलते थे भाई। इरफान पठान को जो उन्होंने शॉट मारा था एक पीछे, बिल्कुल क्या गेंदबाज थे, कैसे यार एबी डिविलियर्स अलग थे यार उन्होंने, लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव भी अलग है भाई। लोगों से पूछिए, आप देखिए हमारे साथ करीब 100 लोग हुए हैं, क्या सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स से बेहतर है? आप सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए, सभी लोग मैं कह रहा हूं इस पर देखिए, आप लोग लाइक में लाइक नहीं करते हैं आप लोग, क्योंकि बोलने पर भी नहीं करते, बाकी चीजों पर कमेंट नहीं करते, पर इस बात पर आप सभी लोग अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स से बेहतर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रचिन वानखेड़े चल सकते हैं, रचिन रविंद्र जो है वो चल सकते हैं, मजा आएगा। पता है जब चेज करने की बारी आएगी ना चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वहां पर देख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रचिन रविंद्र और शिवम दुबे। और जब अच्छे मुंबई इंडियंस अगर चेज करने पे आई तो भाई आप समझ लीजिए मैच गया चेन्नई के हाथ से, देख लीजिएगा। ये बॉलिंग यार चेन्नई की ऐसी बहुत मजबूत नहीं लग रही, बहुत मजबूत नहीं है भाई, आपके मेन बॉलर भी पिटाई खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसी बॉलिंग नहीं लग रही आपको कि भाई ये बॉलिंग देखकर लग रहा है कि अरे अच्छा इन्होंने 190 बना लिया तो बचा लेंगे, वो तो ऐसी टीम है कि 190 को तो उस दिन सूर्या ने क्या बोला, हमारा टारगेट यही था कि कितने जल्दी खत्म कर दे मैच। आप बताइए एक टीम 195 रनों को चेज कर रही है और ये माइंडसेट लेकर आ रही है कि काम करना है मुझे, नहीं उन्होंने ये बोला था कि 15 ओवर से पहले खत्म करना है, 15 ही टारगेट 16 ओवर में खत्म नहीं कर दिया था भाई। ये बताइए सूर्य कुमार यादव आउट ना होते तो 14वें ओवर में खत्म हो जाता भाई। ये होता है कि एक खिलाड़ी एक टीम की सोच ये चल रही है, एक टीम होता है कि भाई 196 चेज कर ले कैसे भी करके, एक टीम कह रही 115 में चेज करते हैं। ये आप देखिए मतलब एक तरीके से अलग ही टीम है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि रोहित शर्मा जो लीड कर रहे हैं, मैं कप्तानी वाली लीड की बात नहीं कर रहा, जो शुरुआत से वो लीड करके दे रहे हैं, यानी कि रोहित शर्मा और ईशान किशन जिस तरीके से शुरुआत दे दे रहे हैं, आपके आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक पैटर्न सेट है कि भाई आप जाइए और मारिए,
आपके पास मौका है, आप जाइए पीटी वहां पर गेंदबाजों को, आप क्योंकि सूर्या को फ्रीडम है ना कि आपके पास, आपके बाद आएंगे हार्दिक पांड्या और उसके बाद तिलक वर्मा, उसके बाद टिम डेविड, उसके बाद रोमारियो सेफर्ड। अरे भाई कब रुकेगी बैटिंग है ना, मोहम्मद नबी भी है इसमें, नबी भी है भाई। भाई आप देखिए ऐसी मतलब विस्फोटक, हर एक खिलाड़ी इतना विस्फोटक भरा है ना इसमें, और हर एक खिलाड़ी फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, आप ईशान किशन से शुरुआत, रोहित शर्मा ईशान किशन दोनों फॉर्म में अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, 70 से ज्यादा ही पार्टनरशिप किए 3 बार। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपके लिए सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से फॉर्म में है यार, टिम डेविड बहुत अच्छे फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या ने पिछला मैच 300 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो भाई आप क्या शानदार वो हो।